ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको नवा श्लोक त्रितीतौ घटस्थौ का सुनाता हूँ। ये संस्मरन्त तरलां सहसो लसन्ति तौं ग्रन्थे पञ्चकविदं तरणार्कशोनां रागार्णवै बहुलरागिनी मज्जयन्तीं कृतसनम् जगद्दती चेतसितान मृगाक्ष। इसका मतलब है कि हे चंचल माँ, आप का जो चंचल रूप है वो हर समय विकसित रूप वाली पांच तत्वों को आकाश जल पृथ्वी वायु और अग्नि को नियंत्रण करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। आप बाल सूर्य होता उगता हुआ सूर्य, उसके उदित सूर्य यहाँ पर कहते हैं। उदित सूर्य जो है वो चढ़ा हुआ सूर्य जो लाल होता है, जो बिल्कुल मतलब वो लाल वो फल जैसा होता है, जैसे हनुमान जी गए थे उसके पीछे पीछे खाने के लिए, ये वही यहाँ पर बोल रहा है। ऐसे सूर्य को जो इस ऐसे सूर्य में भगवती को का ध्यान करने लगते हैं, उसको योगिनियाँ अपने मन में धारण करती हैं। योगिनियाँ उसके आसपास भटकती हैं, जो डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी और भैरव, जो 64 भैरव है, 64 योगिनियाँ हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। जो ये श्लोक पढ़ता है उसको हमेशा सिद्धि मिलती है, और माता का जो रंग वो लाल ही माना गया है। रजोगुण का मतलब है रजस्वला। जब कोई माँ बहन अपने धर्म 3 दिन के धर्म में आती है तो उसको कहते हैं इस चीज़ को मत छुओ, उस चीज़ को मत छुओ, आचार को मत छुओ, तुलसी के पौधे को मत छुओ, दूध को मत छुओ, क्योंकि उसमें एनर्जी आती है। ये कामाक्षा देवी का मंदिर है जहाँ माता रजस्वला होती है, और वहाँ जो दरिया है वो पूरा लाल पड़ता है। उस मूर्ति से वो योनि बनी हुई है वहाँ पर, उस योनि से रक्त बहने लगता है और फिर उस पर कपड़ा रखा जाता है, उस कपड़े के यंत्र बनते हैं। ये कामाक्षा पीठ बहुत बड़ा पीठ है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो इस कामाक्षा पीठ के बारे में। मतलब मेरा ये कहना है कि जब अपने 3 दिन के धर्म में एक लेडी आती है, वो माँ हो बहन हो, तो मतलब उसमें इतनी पावर आती है कि वो भस्म कर सकती है किसी को भी। इसीलिए इनको रोका गया था उस टाइम कि आप यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। जैसे मूर्ति को अगर हाथ लगाए तो मूर्ति की शक्ति चली जाएगी, अगर तुलसी को पौधे को हाथ लगाएंगे तुलसी का पौधा मर जाएगा, किसी पेड़ को छुएंगे वो भी उसको भी कोई हानि कोई ना कोई हानि पहुंचेगी। इसलिए इनको 3 दिन रखा गया था कि आप एक जगह बैठिए, आप अपना धर्म इसी में निभाइए 3 दिन का धर्म, क्योंकि माता का गुण जो है वो लाल है, और अगर ये न हो मेंस्ट्रुअल साइकिल न हो तो आगे सृष्टि नहीं चल सकती। इसी पर सारी सृष्टि जो है वो सब कुछ इसी पर है। जैसे हम बायोलॉजी में जाए, एग स्पर्म एंड अदर थिंग्स एंड एम्ब्रियो देन फीटस और देन क्या नाम है बेबी, मतलब ये स्टेजेस आते हैं इसमें। ओम नमः शिवाय।